हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ देखी थी। उसके अंदर मेंशन था कि जो हरियाणा पुलिस की जो जॉइनिंग है, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल की हो, चाहे वो दुर्गा शक्ति की हो या मेल कांस्टेबल की हो, वो उन्होंने कहा था, उसमें लिख रखा था कि जो कांस्टेबल की जॉइनिंग है वो अप्रैल के अंदर होने वाली है। ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा, मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी थी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब एडिटिंग वगैरह मुझे आती नहीं है, नहीं मैं साइट के अंदर वो न्यूज़ लगा देता। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति, इनकी जो जॉइनिंग है वो अप्रैल के अंदर होने वाली है। अगर जॉइनिंग अप्रैल के अंदर होती है तो उसके अंदर ये तो मेंशन था नहीं कि जॉइनिंग कब हो सकती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक के अंदर या लास्ट के अंदर, ये तो उसके अंदर मेंशन था नहीं। तो हो सकता है कि बिल्कुल 90% चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च में, ठीक है, मार्च में 15 से लेके 20 तारीख के आसपास आपका रिज़ल्ट है वो आ जाए, और हो सकता है कि मार्च के एंड तक भी आए। ठीक है, अब मार्च के 15 मार्च के बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो मेल कांस्टेबल का आने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक तो जो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट थे उनकी 6 या 7 तक तो उनकी PMTA चलेगी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, उसके बाद कुछ टाइम भी लगेगा। तो इसके अंदर हो सकता है आपका 1 से 1.5 महीना चला जाए, तो पॉसिबल है कि आपका जो रिज़ल्ट है मेल कांस्टेबल का वो 15 मार्च के बाद ही आए, 15 मार्च के बाद, या हम बोलें कि 1 अप्रैल से पहले, इन 10 या 15 दिनों में आपका रिज़ल्ट है वो देखने को मिल सकता है। ये मैं न्यूज़पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं बता रहा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। आप यूट्यूब के ऊपर जो भी कमेंट वगैरह देखते हैं उनको आप इग्नोर कर दिया करें, उनमें से लगभग 70% जो कमेंट होते हैं वो फेक होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं है, तो यूट्यूब के जो कमेंट है उनके अंदर मार्क्स देख के बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, इतनी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। जो कट ऑफ है वो, अगर मैं नंबर में से बात करूँ 100 में से, तो जनरल की है वो 54 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, चाहे वो किसी भी मेथड से अपना ले, अगर परसेंटेज लगा दिया तो बात अलग है, अगर सही कोई मेथड ही अपनाते हैं तो 54 से ज़्यादा जनरल की नहीं जाने वाली, और SC की 47 या 48 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, यही आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। आप YouTube के कमेंट देखे बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।